बढ़िया पढ़ाई पढ़े और हमारे बच्चे बड़े बड़े अधिकारी, व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर बने, इसलिए हम वोट देते हैं। हम वोट इसलिए भी देते हैं कि जब जब हमारे ऊपर अत्याचार हो, जब जब हमें कोई दबाए, कोई मारे, तो हमारा नेता हमारा बात बने, हमारे साथ मदद करे, वोट इसलिए देते हैं। हम वोट इसलिए भी देते हैं कि जितना भी योजना जो चल रही है, हमको भी उसके फायदा बराबर से मिल सके। लेकिन इतना कुछ हमें वोट देने के बाद क्या मिल पा रहा है, तो एक प्रश्न चिन्ह लगता है, नहीं। जब हम देखते हैं कि एक व्यक्ति हमारे वोट लेता है और बदले में वो हमें आप राशन मांगो राशन दे देता है, अब कहा में रोड मांगो कई बार रोड भी दे देगा, कई बार आप बोलो हमें फलाना पैसा चाहिए रक्षाबंधन साड़ी के नाम पे, लाडली बहना के नाम पे, जिसके नाम पे चाहिए आपको सब कुछ दे देगा। और क्या चाहिए, चुनाव समय दारू बार दो दारू बार देगा, दूध उस रुपये हर वोट की दे दो वो भी दे देगा। और क्या चाहिए बोले, और क्या चाहिए बताओ बताओ, बोले अच्छा तुमको हर बक्कर हाँकने के लिए कुछ कुआं वाले वो मिल जाएगी योजना का वो भी दे देगा। और क्या चाहिए, वो सब कुछ देने के लिए आपको तैयार हो जाता है। क्या आपको चाहिए, वो लोन लेगा देश को प्रदेश को और दबाते जाएगा, सब कुछ आपको देगा, बदले में आपसे क्या मांगता है बताइए, वोट। क्या मांगता है बदले में आपसे, वोट मांगता है, बोलते आपके बच्चों को दे देंगे ये कर देंगे, लेकिन बदले में आपसे वोट मांगता है। जब आप उसको वोट देते हो तो वोट देने के बाद उस व्यक्ति को आप माननीय सम्माननीय आदरणीय बनाते हो, उससे पहले कोई अम्मानी सम्मानी नहीं लगाते। वोट देने के बाद इतना बड़ा राजा बनाते हो, वो राजा बनने के बाद आपको कुछ देता है, लेकिन अभी तक आपने इतने सारे लोगों को राजा बनाया अपने वोट के दम पे, लेकिन एक बार आप सोचिए कि दूसरे को राजा बनाने की अपेक्षा हम अपने लोगों को क्यों नहीं राजा बनाए, दूसरे को क्यों राजा बना के भैया उनके उनके सामने हाथ फैलाएं, हम खुद राजा क्यों नहीं बनते, इसमें आपको विचार करना है। आप राजा जब बनेंगे, जब आपके बीच के लोग निकलेंगे विधानसभा तक जाएंगे, ऐसे लोग विधानसभा तक जाते हैं जिनको गर्मी में कड़ी धूप में पसीना का एहसास नहीं है, जिनको एहसास नहीं है कि जब एक माता है बहने सोयाबीन गेहूं काटने के लिए जाती है तो कैसे उनके हाथ में सोयाबीन गड़ता है, और जब गलती से हथिया गलत जगह पड़ जाए तो उंगली कट जाती है। ऐसे लोगों को आप राजा बनाते हो जिसको पता नहीं होता जब मक्का काटते हैं, मक्का काटने के बाद जो खुब्बा जब पैर में गड़ जाता है, उसके बाद भी जब चंद्र ज्योत का दूध भर के फिर से हम खेत जाते हैं, इस बात का भी एहसास नहीं होता, ऐसे लोगों को आप राजा बनाते हो। आप राजा ऐसे लोगों को बनाते हो जिसको एहसास नहीं है खेत में जब मक्का कटा तो कैसे अपने सर पे ढोते हैं और उस मक्का का जो जो पतरोई रहता है, उस पतरोई को जो बुइया जब शरीर में गिरता है जब वो कितना खुजलाता है, इस बात का एहसास नहीं होता, ऐसे लोगों को आप बनाते हो। आप ऐसे लोगों को राजा विधायक बनाते हो जिन्हें कभी सरकारी अस्पताल में वो समस्याएं फेस नहीं करी, वो समस्या नहीं झेली कि बाटल लगा के एक पैर ऊपर करके टांग देते हैं और एक डॉक्टर चार घंटा बाद आता है और दूर से देख के चला जाता है और हम लोग बस पड़े ही रहते हैं और वही हॉस्पिटल मृत्यु का केंद्र बन गया, हत्या का केंद्र बन गया। उनको एहसास नहीं होता, ऐसे लोगों का आप नेता बनाते हो। उनको एहसास नहीं है कि आपके बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो उस स्कूल में टीचर आता भी है या नहीं आता, कई बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है, ऐसे स्कूल में पढ़ने लिखने वाले लोगों को आप कभी नेता नहीं बनाए। आपने नहीं बनाया जहां तक आप खेत पैदल जाते हो, कई बार चप्पल टूट जाती है, चप्पल के अंदर से कांटा गड़ जाता है, फिर भी आप चलते हो, इस दुख को एहसास करने वाले लोगों को आपने कभी नेता नहीं बनाया। जब ऐसे लोगों को आपने नेता नहीं बनाया, काहे का विकास भैया, वो तो महल के अंदर बंद रहे, अच्छा तो कमरा लेके टीवी वीवी में खुश रहे और एसी कूलर में टन रहे, का लेन देन उन्हें तुम्हें, तुम्हारी तकलीफ और तुम्हारी समस्या से कोई लेन देन नहीं, उन्हें थोड़ी ना पता है कि कल जब आंगन चावल लाए तुम मट्टी लेकर आओ थो, वो मट्टी के जब बढ़िया पानी डाल के फलाते हैं और गलती तो में एक पैनो पत्थर दब जाता और जब एक गिलाव कर लाई घोता तो कैस पत्रा उसमें घुस जाता, उस चीज का एहसास नहीं है उनको। बेकार पक्को मकान में रहने वाले, चाटा बनिहार लगाने वाले और टन पक्को टाइल्स वालों मकान घर में रहने वाले, उन्हें एहसास नहीं है कि जब एक खपरे वाले मकान में कमल कीड़ा हो जाता है, जब कमल कीड़ा जब अपने ऊपर गिर जाता कैसे झटक के सोने पड़ा, मच्छरदानी लगाना पड़ा, ऐसा भी नहीं है। टन में सोए तो बढ़िया खिड़की कांच से बंद दरवाजा,
कोई एहसास नहीं। अरे जिसको कुछ एहसास नहीं है आपकी तकलीफों का, ऐसे व्यक्ति को विधायक बना कुछ विकास होएगा माताराम? कच्चू नून वालो, तुम जाओ हॉस्पिटल और ऐसे कहते घूमे भैया कहाँ पर्ची कटा दे, कहाँ वो होते है, तो कब डॉक्टर आए, वो बाटल कहाँ था, कच्चू पता नहीं है बेचारे इधर किधर घूम रहे। याद रखें, ये समस्या बढ़ती जाएगी। आपको ऐसे व्यक्ति को विधायक चुनना पड़ेगा जो आपके सुख दुख को झेला हुआ हो, जो समझता हो कि आप कब और किन समस्याओं में फंसते हो, इन सारी बातों को जो व्यक्ति उलझा के और फिर सुलझाओ, ऐसे व्यक्ति को विधायक चुनना पड़ेगा, तब जाके आपका आपका समस्या का समाधान होगा।